जी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक हमने शुरू किया था। स्लाइड से हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया था कि जिस तरह से बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्क करता है, इनपुट सिग्नल लेता है फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट या दूसरे न्यूरॉन से, इसी तरह से हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम देखेंगे, स्टडी किया था हमने स्लाइड्स पे। यहाँ पर देखिए जो मॉडल है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, इसमें इनपुट वैल्यूज़ X1 X2 एनवायरनमेंट से वो गेट कर रहा है इनपुट, या फिर दूसरे न्यूरॉन जो पास करते हैं सिग्नल वहाँ से, जिस तरह से डेंड्राइट्स गेट करती हैं हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में। इस तरह से रियल टाइम एनवायरनमेंट में जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनता है, उसमें इनपुट वैल्यूज़ को हम X1 X2 से देखते हैं। इसके बाद उस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए या इनहेबिट करने के लिए कुछ वेट्स हैं, यहाँ पर W1 एंड W2। W1 वेट है इनपुट X1 के लिए और W2 वेट है इनपुट X2 के लिए। अब इनका वेटेड सम किया जाता है सेल बॉडी के अंदर, यानी कि X1 को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और X2 को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वेटेड सम कैलकुलेट होगा, समेशन सिंबल ये शो कर रहा है सेल बॉडी के अंदर। उसके बाद जो आउटपुट वैल्यू आएगी उसको कंपेयर किया जाएगा विद अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि वेदर द वैल्यू समेशन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर होगा तो हमारा सिग्नल जो है वो शूट करेगा, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगा, आउटपुट यस आ जाएगा। और अगर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से हमारा इस समेशन वैल्यू लेसर होती है तो हमारा सिग्नल शूट नहीं करेगा, बल्कि फॉल्स या नेगेटिव जो है वो इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है जी, आगे ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरॉन्स को। द न्यूरॉन्स कंप्यूट्स वेटेड सम ऑफ इनपुट सिग्नल। अब जो जिस तरह से वर्क करता है, इनपुट सिग्नल्स का वेटेड सम कैलकुलेट किया जाता है, एक्स को उसके रेलिवेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड देन जितनी भी वैल्यूज इनपुट सिग्नल्स होते हैं उनको हम सम करते हैं। एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी, स्लाइड्स में देखी थी, एंड फंक्शन की इनपुट वैल्यूज़ थी हमारे पास, जस्ट लाइक X1 एंड X2 की इनपुट वैल्यूज़ थी। हमारे पास जो इनपुट सिग्नल्स हैं उनको सम करने का सेल बॉडी में समिशन होती है, कि हर एक सिग्नल को उससे रेलिवेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम सम लेंगे। तो इसको हम एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी तो वो ये रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इनपुट वैल्यू X1 के वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0011, हमने 2 बिट्स ली हैं यहाँ पे इनपुट वैल्यूज़ में। एक्स की 2^2 अगर आप देखें तो वो 4 वैल्यूज़ बनती हैं। तो जिस तरह से DLD में अगर आपको याद हो, ये डिस्क्रीट मैथ्स में, तो इनपुट वैल्यूज़ X1 के लिए 2 0s 2 1 एंड देन X2 के लिए 0 1 0 1 का कम्बिनेशन होगा। इसी तरह से अगर X3 भी होता तो X1 में 2^3 यानी कि 8 वैल्यूज़ होनी थी, 4 4 के कम्बिनेशन से हमने ऐसा ऐसा उस तरफ जाना था। आई होप कि आपको इनपुट वैल्यू लेना आता होगा। एनी हो, एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन X1 है। अच्छा, इनिशियली जो वैल्यू है, वेट्स हैं W1 एंड W2, उनकी वैल्यू इनिशियली सेट की गई है 1। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम करेंगे तो उसमें ये वैल्यूज चेंज भी होंगी। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे, उसमें देखेंगे कि रियल टाइम एक न्यूरल नेटवर्क को किस तरह से उसकी वैल्यूज़ की अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है आउटपुट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर एंड फंक्शन के साथ सिंपल एग्जाम्पल है। X1 हमारे पास 0 है इनिशियली, W1 इनिशियली हमने सेट किया था 1। सो X1 0, W1 1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस X2 की वैल्यू है 0 और W2 इनिशियली 1 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1s are 0 प्लस 0 1s are 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड में देखिए, X1 है 0, वेट 1 मल्टीप्लाई किया, X2 यहाँ पे 1 है, वेट 1 है, मल्टीप्लाई किया, 0 1s are 0 प्लस 1 1s are 1, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 1। नेक्स्ट में देखिए, X1 की वैल्यू है 1, इसको मल्टीप्लाई किया वेट 1 के साथ, प्लस X2 की वैल्यू 0 है, इसको वेट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो X1 की 1 1s are 1 हो जाएगा एंड 0 1s are 0, आउटपुट वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट X जो 1 है उसकी वैल्यू 1 है, वेटेड सम वेट के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से X2 की वैल्यू 1, वेट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 + 1 = 2 आउटपुट हो गया। यहाँ पे वेटेड सम निकालने के बाद इसको कंपेयर करेंगे अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ। थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी है एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2। अच्छा, थ्रेशोल्ड वैल्यू कंक्रीट भी हो सकती है, एग्जैक्ट 1 वैल्यू भी हो सकती है, जस्ट लाइक 1 और 2 और 50, जिस तरह से आपके एग्जाम का है कि 50 एब्सोल्यूट आएगा तो आपको पासिंग ग्रेड दिया जाएगा। इसी तरह से थ्रेशोल्ड वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू जो है
वो सिंगल वैल्यू भी रखी जा सकती है और उसमें रेंज भी डिफाइन की जा सकती है। जैसे लाइक यहाँ पे रेंज डिफाइन है कि एनी वैल्यू इस एक्टिवेशन फंक्शन, इस फंक्शन की जो भी आउटपुट समेशन वैल्यू है ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल्स टू टू, अगर ये वैल्यू इस रेंज में फॉल करती है तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है वाई का वो फॉल्स हम कंसिडर करेंगे। सो ग्रेटर देन एंड फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, एंडिंग की प्रॉपर्टी है कि उसमें आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को फुलफिल करते हैं। सो ग्रेटर देन वन बट लेस देन इक्वल्स टू टू, फर्स्ट वैल्यू हमारा आउटपुट देखें ज़ीरो था, तो ज़ीरो जो है इस रेंज में फॉल नहीं करती, तो वाई हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। सेकेंड आउटपुट था वन, वन ग्रेटर देन वन, ठीक है जी, बट लेस देन और इक्वल्स टू टू। अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन नहीं है, इट मीन्स कि वन जो है उस रेंज में नहीं आएगा, वन से ग्रेटर वैल्यूज़, 1.1 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, एनी थिंग ग्रेटर देन वन बट लेस देन और इक्वल्स टू टू। एंडिंग फंक्शन है तो एंडिंग में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को चेक करेंगे, लोअर लिमिट हमारी फुलफिल नहीं हो रही इसलिए वाई आउटपुट हमारा यहाँ पर आएगा फॉल्स। सो नेक्स्ट अगेन वन है तो वन इस लिमिट में नहीं आता, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमने रेंज डिफाइन की है इस थ्रेश होल्ड वैल्यू की, रेंज है ग्रेटर देन वन, लीस्ट लिमिट और अपर लिमिट है लेस देन और इक्वल्स टू टू, एंडिंग फंक्शन है, एंडिंग फंक्शन में हमने दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज़ हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स होगा। सो वन है ग्रेटर देन वन की लिमिट है, लोएस्ट रेंज है, इक्वल या इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही इसलिए वन इस रेंज में नहीं आएगा, तो वन के लिए आउटपुट हमारा वाई एफ जाएगा। लास्ट वैल्यू है टू, टू देखिए ग्रेटर देन टू इस चीज़ को होल्ड कर रही है एंड लेस देन इक्वल टू इस चीज़ को भी होल्ड कर रही है, यानी कि एंडिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल कर रही है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों मीट कर रही हैं, सो आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड फंक्शन यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसकी एग्जांपल हमने स्लाइड्स में भी देखी थी और इसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी कर लिया है, इसको डिफरेंट एग्जांपल्स डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़ के साथ भी, थ्री वैल्यूज़ के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। अरे जी नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखी थी उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी एक्स वन और एक्स टू की है कि किस तरह से हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी थ्रेश होल्ड वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू को ड्रॉ करके, और कोई भी वैल्यू नेक्स्ट टाइम उस लाइन स्लोप से अबव आएगी तो वो ट्रू क्लास में उसको लाई करेगी, और अगर उससे लोअर आती है तो वो फॉल्स क्लास में लाई करेगी। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू मैंने कंक्रीट ली है, 1.5 ली है, इसको रेंज के थ्रू सेट नहीं किया, सो एग्जैक्टली 1.5 है। एक्स वन जो है हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे इसको मैप करते हैं, एक्स टू को वर्टिकल एक्सिस पे मैप करते हैं, थीटा की वैल्यू 1.5 है। सो पहले हम एक्स वन की वैल्यू 1.5 लेंगे और x2 की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे, सो x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू 1.5 लेके यहाँ पे इसी तरह से उसके बाद हम x2 की वैल्यू 1.5 लेंगे और x1 की वैल्यू 0 कंसीडर करके यहाँ पे इस पे हम इन लाइंस को हम ज्वाइन करके अपना स्लोप लाइन ड्रा करेंगे। और ये स्लोप लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। सो जो मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्लोप लाइन में, क्योंकि वो ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन की एग्जांपल कर चुके हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई चीज़ है। सो लीनियर लाइन यानी कि एक सिंगल लाइन से अब आप नेक्स्ट टाइम जो भी आपके आउटपुट वैल्यू एक्स वन डब्ल्यू वन की समेशन वैल्यू प्लस एक्स टू डब्ल्यू टू की वैल्यू जो भी है, अगर वो इस लाइन से अबव मैप करेगी तो वो ट्रू क्लास में जाएगी, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ वैल्यू मैप करती है या यहाँ पर मैप करेगी इसको हम आउटपुट इसका ट्रू देंगे, और अगर कोई वैल्यू इस लाइन से नीचे मैप करती है जिस लाइक यहाँ पे, तो उसके लिए हम आउटपुट फॉल्स जनरेट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, लाइन का, स्लोप का, कि किस तरह से ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन टू क्लासेस। अभी हमने क्लासेस यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही देख रहे हैं, आगे चल के हम डिफरेंट क्लासेस पॉजिटिव नेगेटिव भी देख सकते हैं, येस नो क्लास भी देखेंगे। सो इनिशियली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल की, कि किस तरह से हम थ्रेश होल्ड लाइन को ड्रा कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके बाद वैल्यूज़ को अपने ग्राफिक के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से हमने प्रीवियसली इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था।
नेक्स्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की है आर फंक्शन के साथ। तो जिस तरह से हमने आउटपुट जनरेट की थी एंड के साथ, इसी तरह से हम आर को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स वन डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू टू की वैल्यूज़ हैं। एक्स वन अगेन हमने इनपुट वैल्यू 0011 के साथ लिया है, एक्स टू 0101 के साथ है। एक्स वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे रेलिवेंट जो वेट होगा उसका, और एक्स टू को डब्ल्यू टू के साथ। इनिशियली वेट की वैल्यूज़ 1 सेट की गई हैं। सो स्टार्ट करते हैं 0 एक्स वन की वैल्यू को उसके वेट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स टू की वैल्यू 0 को हम उसके वेट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 1 0 0 0 आउटपुट जो है वो 0। लाइक वाइज सेकेंड वैल्यू है एक्स वन की 0 वेटेड उसका वेट 1, एक्स टू की वैल्यू 1 वेट 1, 0 + 1 1 1 × 1 प्लस 0 एक्स टू की वैल्यू वेट उसका 1 1 + 0 1 और उसके बाद एक्स वन की वैल्यू 1 वेट 1 प्लस एक्स टू की वैल्यू 1 वेट 1। सो 1 1 + 1 1 1 = 2 ये हमारे पास आउटपुट वैल्यू आ जाएगी। आर फंक्शन है, आर फंक्शन के थ्रू हम इसको कंपेयर करेंगे अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ। थ्रेशोल्ड वैल्यू है एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। आर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें अगर एक लिमिट भी आपकी मीट कर जाती है तो आउटपुट हम उसको ट्रू की फॉर्म में जनरेट करेंगे। जिस तरह से देखें एंडिंग में क्या था कि दोनों को ट्रू होना चाहिए, आरिंग में अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट वन 0 है, 0 जो हमारी थीटा की रेंज है, थ्रेशहोल्ड की रेंज है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। फर्स्ट वैल्यू 0 है, इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करती, ग्रेटर देन 0 से होगी वैल्यू तो ही इसमें से किसी भी रेंज में हमारी वैल्यू मैप नहीं कर रही, सो आउटपुट जो जनरेट होगा दैट वुड बी फॉल्स। 1 है, ग्रेटर देन 0 इस चीज़ को मीट कर रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 1 इस चीज़ को भी वो मीट कर रहा है, सो आउटपुट हो जाएगा ट्रू। 1 अगेन तो 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 ट्रू। अब ट्रू देखें, ट्रू में ये ग्रेटर देन 0 की तो वैल्यू ट्रू हो रही है लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 1 ये फॉल्स हो रही है। हम यहाँ पे आर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू आर फंक्शन प्रॉपर्टीज़ हमारी अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो हम आउटपुट ट्रू कंसीडर करेंगे। अपर लिमिट हमारी मीट नहीं कर रही लेकिन लोअर लिमिट हमारी मीट कर रही है, सो आउटपुट हम ट्रू यहाँ पे जनरेट करेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद आर फंक्शन उसी तरह से हो गया जिस तरह से हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे थ्रेशोल्ड की कंक्रीट वैल्यू 1 कंसीडर की गई है, सो एक्स एक्सिस पे हम अगर एक्स वन को 1 कंसीडर करें और एक्स टू को 0, और उसी तरह से एक्स टू में एक्स वन को इस यहाँ पे 0 कंसीडर करें और एक्स टू 1, तो ये हमारी थ्रेशोल्ड लाइन यहाँ पे आएगी। एनी वैल्यू जो इससे ग्रेटर अपर मैप होगी कहीं पे भी उसको हम आउटपुट ट्रू जनरेट करेंगे फॉल्स, और अगर कोई भी इस लाइन से बिलो इस थ्रेशोल्ड से बिलो मैप होगी तो उसको उसके लिए जो आउटपुट जनरेट होगा वो फॉल्स होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स। तो मशीन लर्निंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हर वो प्रॉब्लम जिसको आप ग्राफिकली अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकें और वो ग्राफिकली टू डिफरेंट क्लासेस में एक सिंगल लाइन के थ्रू सेपरेट उनको किया जा सके वो प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स, जिसके लिए सिर्फ एक बिट एक न्यूरॉन की ज़रूरत पड़े उसको अलग अलग क्लासेस में वो मैप कर दे सेग्रीगेट कर दे। सो ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स की एक एग्जाम्पल है जिसमें देखें कि हमारे पास एक टाइप का डेटा और दूसरी टाइप का डेटा क्लियरली फॉल करें अपनी अपनी डोमेन में एक सिंगल लाइन के थ्रू आप उसको कट कर सकते हैं, उनको अलग अलग क्लास में मैप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स नहीं होती, जिस तरह से उनके डेटा जो है आपस में इस तरह से मिक्सअप होता है कि उनको क्लियरली एक सिंगल लाइन के थ्रू आप सेपरेट नहीं कर सकते इन टू डिस्टिंक्ट क्लासेस के अंदर। जिस तरह से देखिए यहाँ पे जो डेटा है उसकी मैपिंग इस तरह से है कि वो एक डेटा दूसरे के साथ फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे एक क्लियर कट लाइन के थ्रू आप दोनों क्लासेस को अलग अलग नहीं कर सकते, एक सिंगल बिट के साथ एक सिंगल न्यूरॉन के साथ इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली।
हर एक मोस्ट जो एल्गोरिदम्स हैं जो कि लीनियर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, वो नॉन लीनियर वर्जन्स भी उनके मौजूद होते हैं। जिस तरह से सपोर्ट वेक्टर मशीन है तो उसका लीनियर वर्जन एंड नॉन लीनियर वर्जन मौजूद है, तो वो दोनों लीनियर टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए भी और नॉन लीनियर के लिए भी सूटेबल होता है। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क नहीं करते। सो ये हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम है उसके ट्रेनिंग में आपको करवाऊंगी, इसी तरह से हम इसको नोटबुक के ऊपर सॉल्व कर लेंगे।